हरियाणा के तावड़ू में डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई की खनन माफियाओं ने मंगलवार को दोपहर डंपर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग ढांडा ने कहा कि प्रदेश में खनन माफिया बेलगाम हो गए हैं। कट्टर सरकार में हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, अंधेर गर्दी है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी को, डीएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी को, जिस तरीके से खनन माफिया ने डंपर चढ़ा करके जिस तरीके से हत्या कर दी सीनियर पुलिस अधिकारी की, वो अपने आप में दिखाता है कि किसी भी अपराधी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती है कि वो इतने सीनियर पुलिस अधिकारी पर इस तरीके से डंपर चढ़ा दे। निश्चित तौर पर राजनैतिक सरपरस्ती है इसको, निश्चित तौर पर सत्ता में बैठे हुए नेताओं का कहीं ना कहीं आशीर्वाद है इस खनन माफिया को, जिसकी वजह से इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि ये सरे आम पुलिस अधिकारी पर भी इस तरीके का हमला कर सकते हैं। हमारा साफ तौर पर ये मानना है कि अवैध खनन खट्टर सरकार के अंदर और ज़्यादा बढ़ा है, राजनैतिक संरक्षण अवैध खनन माफिया को पूरी तरह से मिल रहा है, जिसकी वजह से अब वो बेलगाम हो गए हैं और पुलिस अधिकारियों पर भी इस तरीके का हमला करने से